नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र पांडे है और आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे स्ट्रक्चर्स की। अब तक हम जिन डेटा टाइप्स के साथ काम कर रहे हैं उनमें से अधिकांश इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट या करेक्टेड टाइप की सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रिंग इससे इस मायने में अलग है कि वे छोटे पीसेस करेक्टर से बने होते हैं। इस प्रकार स्ट्रिंग्स कंपाउंड टाइप का एक उदाहरण है। हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उनके आधार पर हम एक कंपाउंड टाइप को सिंगल ऑब्जेक्ट मान सकते हैं या हम इसको पार्ट्स या मेंबर वेरिएबल्स के रूप में एक्सेस कर सकते हैं। यह एम्बिग्युटी बहुत उपयोगी है, अपने स्वयं की कंपाउंड वैल्यूज को बनाने में सक्षम होना भी उपयोगी है। सी ऐसा करने के लिए एक मैकेनिज्म प्रदान करता है, स्ट्रक्चर्स। कंपाउंड स्ट्रक्चर के सरल उदाहरण के रूप में मैथमेटिकल पॉइंट के कॉन्सेप्ट पर विचार करें। एक लेवल पर एक पॉइंट, दो नंबर्स हैं जिन्हें हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, जिसे हम कलेक्टिवली एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानते हैं। मैथमेटिकल नोटेशन में पॉइंट अक्सर पैरेंथेसिस में लिखे जाते हैं जिनमें कॉमा कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट करता है। उदाहरण के लिए 0.0 ओरिजिन को इंडिकेट करता है और x, y ओरिजिन के राइट में x यूनिट की दूरी और ओरिजिन से y यूनिट ऊपर की तरफ एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। C में एक पॉइंट को दो डबल्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है, इन दो वैल्यूज को एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर में कैसे ग्रुप किया जाए। इसका उत्तर है यह कोड जो स्क्रीन पर दर्शाया गया है। स्ट्रक्चर की डेफिनेशन किसी भी फंक्शन डेफिनेशन के बाहर दिखाई देती है, आमतौर पर प्रोग्राम की शुरुआत में इंक्लूड स्टेटमेंट्स के बाद। यह डेफिनेशन इंडिकेट करती है कि इस स्ट्रक्चर में दो एलिमेंट्स हैं जिसका नाम x और y है। इन एलिमेंट्स को मेंबर्स या फील्ड ऑफ अ स्ट्रक्चर कहा जाता है। स्ट्रक्चर डेफिनेशन के अंत में सेमीकोलन को ना लगाना एक सामान्य एरर है, इसको लगाने का हमेशा ध्यान रखें। एक बार जब आप एक नए स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हैं तो आप स्क्रीन पर दर्शाए गए तरीके से उस प्रकार के वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। इस कोड की पहली लाइन एक कन्वेंशनल वेरिएबल डिक्लेरेशन है जिसमें ब्लैंक को पॉइंट टी टाइप का डिक्लेयर किया गया है। अगली दो लाइन स्ट्रक्चर के फील्ड्स को इनिशियलाइज करती हैं। यहां उपयोग किए जाने वाले डॉट नोटेशन को फील्ड सिलेक्शन ऑपरेटर कहा जाता है और ये स्ट्रक्चर फील्ड्स को एक्सेस करने के लिए अनुमति देता है। इन असाइनमेंट्स का रिजल्ट इस स्टेट डायग्राम में दिखाया गया है। हमेशा की तरह इस स्टेट डायग्राम में वेरिएबल ब्लैंक का नाम बॉक्स के बाहर दिखाई दे रहा है और इसकी वैल्यू बॉक्स के अंदर दिखाई दे रही है। इस केस में वह वैल्यू दो नेम्ड मेंबर वेरिएबल्स के साथ एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट है। आप एक मेंबर वेरिएबल की वैल्यूज को उसी सिंटेक्स का उपयोग करके पढ़ सकते हैं जिसे हम उसको राइट करने में इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्रेशन ब्लैंक डॉट एक्स का अर्थ है ब्लैंक नेम वाले ऑब्जेक्ट पर जाएं और एक्स की वैल्यू प्राप्त करें। इस केस में हम उस वैल्यू को एक्स नाम के एक लोकल वेरिएबल को असाइन करते हैं। ध्यान दें कि एक्स नाम के लोकल वेरिएबल और एक्स नाम के मेंबर वेरिएबल के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। डॉट नोटेशन का उद्देश्य यह पहचानना है कि आप किस वेरिएबल को स्पष्ट रूप से रिफर कर रहे हैं। आप किसी भी सी एक्सप्रेशन के हिस्से के रूप में डॉट नोटेशन का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए निम्नलिखित कोड लीगल है। इस कोड की पहली लाइन 3.4 आउटपुट करती है और दूसरी लाइन 25 वैल्यू को कैलकुलेट करती है। आइए अब चर्चा करते हैं ऑपरेशंस ऑन स्ट्रक्चर्स की। अधिकांश ऑपरेटर जो हम अन्य टाइप्स पर भी उपयोग करते हैं जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, स्ट्रक्चर पर वर्क नहीं करते हैं।
दूसरी ओर असाइनमेंट ऑपरेटर स्ट्रक्चर के लिए काम करता है। इसका उपयोग दो तरीकों से किया जा सकता है, किसी स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए या मेंबर वेरिएबल्स को एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में कॉपी करने के लिए। इनिशियलाइजेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। स्किगली ब्रेसेस में वैल्यूज एक एक करके स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स में असाइन किए जाते हैं, जो इस केस में x को पहला वैल्यू और y को दूसरी वैल्यू असाइन होती है। अनफॉर्चुनेटली इस सिंटेक्स का उपयोग केवल इनिशियलाइजेशन में किया जा सकता है, असाइनमेंट स्टेटमेंट में नहीं। तो इसके दृष्टिगत निम्नलिखित कोड इलीगल है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि यह परफेक्टली रीजनेबल स्टेटमेंट इलीगल क्यों होना चाहिए। आपको टाइपकास्ट जोड़कर असाइनमेंट का टाइप भी स्पेसिफाई करना होगा। इस परिवर्तन के बाद कोड काम करेगा। एक स्ट्रक्चर को दूसरे को असाइन करना लीगल है। उदाहरण के लिए इस कोड को देखें। इसका आउटपुट है 3, 4। आप सामान्य तरीके से पैरामीटर्स के रूप में स्ट्रक्चर को पास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रिंट पॉइंट फंक्शन एक पॉइंट को एक आर्गुमेंट के रूप में एक्सेप्ट करता है और इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आउटपुट करता है। यदि आप प्रिंट पॉइंट ब्लैंक को कॉल करते हैं तो इसका आउटपुट 3.0, 4.0 होगा। दूसरे उदाहरण के रूप में हम कंप्यूट डिस्टेंस फंक्शन, जिसे हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था, को फिर से लिख सकते हैं ताकि यह करेक्टर डबल्स के बजाय दो पॉइंट्स को पैरामीटर्स के रूप में एक्सेप्ट करें। जब आप एक स्ट्रक्चर को एक आर्गुमेंट के रूप में पास करते हैं तो याद रखें कि आर्गुमेंट और पैरामीटर सेम वेरिएबल नहीं है। इसके बजाय ये दो वेरिएबल्स हैं, एक कॉलर और एक कॉली, जिसमें वैल्यू सेम है, कम से कम शुरुआत में तो है ही। उदाहरण के लिए जब हम प्रिंट पॉइंट फंक्शन को कॉल करते हैं तो स्टैक डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा। यदि प्रिंट पॉइंट फंक्शन पॉइंट के एक मेंबर वेरिएबल को चेंज करता है तो इसका ब्लैंक पर कोई प्रभाव नहीं होगा। बेशक प्रिंट पॉइंट फंक्शन के पास इसके पैरामीटर को मॉडिफाई करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए दो फंक्शंस के बीच यह आइसोलेशन एप्रोप्रिएट है। इस तरह के पैरामीटर पासिंग को पास बाय वैल्यू कहा जाता है, क्योंकि यह स्ट्रक्चर की वैल्यू है जो फंक्शन को पास हो जाती है। एक अल्टरनेटिव पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म जो सी में उपलब्ध है उसे पास बाय रेफरेंस कहा जाता है। अब तक हम पहले से ही जानते हैं कि सी रेफरेंस के रूप में पॉइंटर्स का उपयोग करता है। यह मैकेनिज्म एक स्ट्रक्चर को एक प्रोसीजर में पास करता है और इसे डायरेक्टली मॉडिफाई करना संभव बनाता है। उदाहरण के लिए आप दो कोऑर्डिनेट्स की स्वैपिंग करके 45 डिग्री लाइन के अराउंड एक पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट पॉइंट फंक्शन को लिखने का सबसे ऑब्वियस लेकिन गलत तरीका कुछ इस प्रकार है। यह कोड काम नहीं करेगा क्योंकि हमारे द्वारा रिफ्लेक्ट पॉइंट फंक्शन में किए गए बदलावों का कॉलर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बजाय हमें यह स्पेसिफाई करना होगा कि हम रेफरेंस द्वारा पैरामीटर पास करना चाहते हैं। हमारे फंक्शन में अब एक स्ट्रक्चर पॉइंटर आर्गुमेंट पॉइंट पी है। जब हम एक पॉइंटर के माध्यम से स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हों तो हम फील्ड सेलेक्टर ऑपरेटर डॉट का उपयोग नहीं कर सकते। इसके बजाय हम पॉइंटिंग टू ऑपरेटर, जिसे इस तरह से दर्शाया जाता है, का उपयोग करने की आवश्यकता है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम स्ट्रक्चर वेरिएबल में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड को जोड़कर अपने स्ट्रक्चर पैरामीटर का रेफरेंस पास करते हैं, कुछ इस तरह।
इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ ऐसा अपेक्षित है। इस प्रोग्राम के लिए एक स्टैक डायग्राम को कुछ इस तरह बनाएंगे। पैरामीटर ptr ब्लैंक नाम के स्ट्रक्चर का एक रेफरेंस है। एक रेफरेंस के लिए यूजुअल रिप्रेजेंटेशन एक डॉट के साथ एक एरो है जो कि पॉइंट करता है कि रेफरेंस किसको रिफर कर रहा है। इस डायग्राम में नोटिस करने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी चेंजेस जो कि रिफ्लेक्ट पॉइंट फंक्शन पॉइंटर के माध्यम से करता है वो ब्लैंक को प्रभावित करेगा। स्ट्रक्चर बाय रेफरेंस को पास करना पासिंग बाय वैल्यू की तुलना में अधिक वर्सेटाइल है क्योंकि कॉली स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकता है। यह फास्ट भी है क्योंकि सिस्टम को पूरी स्ट्रक्चर को कॉपी नहीं करना पड़ता। वहीं दूसरी ओर यह कम सुरक्षित है क्योंकि इस बात का ट्रैक रखना बहुत कठिन है कि कहां कहां मॉडिफाई हुआ। फिर भी सी प्रोग्राम में लगभग सभी स्ट्रक्चर्स में पास बाय रेफरेंस ही इस्तेमाल किया जाता है।